हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ चीज़ें जो है, एंडीजान मेडिकल इंस्टीट्यूट उज्बेकिस्तान, एडमिशन लेटर में कुछ एजेंट, कुछ यूट्यूबर जो स्टूडेंट हैं वो क्या फ्रॉडिंग कर रहे हैं, इस पर मैं थोड़ा सा आपको खुलासा करना चाह रहा हूँ कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। पेरेंट्स का कॉल आए हैं और उस पर मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो है एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, जब आप यूट्यूब सर्च करेंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐसे ऐसे वीडियोज, क्योंकि वो उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, वो एक तरह से वो किसी एजेंट या कॉन्ट्रेक्टर से जुड़े हुए हैं, कभी भी वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं करवा सकते किसी भी यूनिवर्सिटी में। विदेश में ऐसा क्या होता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्ट होता है, ठीक है, उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एडमिशन तो उन्हीं के थ्रू होगा। तो आप लोग ये सोचते हैं कि बच्चे से डायरेक्ट एडमिशन ले लोगे और पैसे बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं ये लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये अपने दिमाग से निकालिए, और ये हिडन एजेंट की तरह क्या कैसे काम करते हैं, इनको कैसे पैसा मिलता है। एडमिशन लेटर जो है यहाँ पे एंडीजान में 2 से 5 दिन में आ रहा है एडमिशन लेटर, और ये कैसे आपको मूर्ख बना रहे हैं। तो इस पे जो है कुछ पेरेंट्स ने बोला है, क्योंकि उनके पैसे फंस गए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले लिख दिया, बहुत सारे कुछ मतलब करेंट पेरेंट ने कॉल किया था मुझे, ठीक है। आप क्या होता है, वो लोग कम का पैकेज आपको दिखाते हैं कि यहाँ कम का पैकेज है, और उस लिए आप कंपेरिजन करके उनके झांसे में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो पैसा ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं 7 से 14 दिन में आपका एडमिशन लेटर आएगा। एडमिशन लेटर तो आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कम का पैकेज लिया हुआ आपको, और वो काम तो कर ही रहे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वो आपको इसके बारे में निगेटिव थिंग बताने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और दूसरे यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने लगते हैं जहाँ से वो जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट वहीं के पढ़ाई वहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको विश्वास भी होने लगता है कि बंदा ये सही बोल रहा है। इसी तरह कुछ एजेंट भी लोअर पैकेज बांट रहे हैं, लेकिन क्या है, वो एजेंट पिछले वाले कॉन्ट्रेक्टर के साथ जुड़े थे, जिनका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो जितने भी पैकेज दे रहे हैं वो सारा फ्रॉडिंग कर रहे हैं, क्योंकि कम का पैकेज जो दिखा के बच्चों को पैसा ले ले रहे हैं, और उसके बाद बोले 7 से 14 दिन लगेगा एडमिशन लेटर तो आना नहीं है, ठीक है। तो आप 14 दिन जब हो जाएंगे तो परेशान होंगे, तो आपको बोला जाएगा जी देखिए इस यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे है, एडमिशन लेटर जो उनके पास जितने भी कहानियां होगी आपको सुना देंगे। अब उसके बाद आपको बोलेंगे जी आप इस यूनिवर्सिटी में ले लो, ये बहुत अच्छा है, ये कैपिटल में है, तो इसमें ले लो आप, ये यूनिवर्सिटी है, ये इंस्टीट्यूट है। तो जितने भी होगा आपको दलील दिया जाएगा, तो आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो आपको टैप में ले चुके हैं। आपको ध्यान देना है, क्योंकि एडमिशन लेटर बहुत सारे बच्चे का आ चुका है, मैंने खुद निकलवाया है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। और 2 से 5 दिन में आ रहा है, ठीक है। आप ये जो जो बहाना बना रहे हैं वो मैं आपको बता दिया कि कैसे बच्चे को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनसे सावधान रहिए, ठीक है। और जो यूट्यूबर एजेंट है इनको मैं बता रहा हूँ, दोस्तों आप पढ़ाई करने गए हो, आप पैसा के चक्कर में ना, क्योंकि इनको कमीशन मिलता है। मैंने पहले बताया कि 1,000 से 2,500 डॉलर तक एजेंट इनको कमीशन देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कमीशन देते हैं बच्चों पे, इसके लिए ये प्रमोशन शुरू कर देते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, जिससे आपको टैप में लेते हैं। अगर ये खुद डायरेक्ट एडमिशन करवाने लगे भाई, तो आप मुझे कॉल करें, मैं सारे बच्चे इन्हीं को दे देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ना इनका कॉन्टेक्ट है, ना ये फ्रॉडिंग है, सिर्फ फ्रॉडिंग है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं, देखिए आप पढ़ाई करने गए और ये आप अगर कर रहे हैं, तो आप अपने लाइफ से खेल रहे हैं। पिछले बार 10.5% बच्चे पास हुए थे, इस बार 30% बच्चे पास हुए हैं एफएमजी में, 70% बिकॉज ऑफ दिस। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ाई करने गए, कुछ पढ़ नहीं रहे, कोई यूट्यूब बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये डॉक्टर बनने गए, बन गए एजेंट। तो अगर यही बनना था, यूट्यूब खोलना था, तो इतना सारे पैसे इन पेरेंट को खर्च नहीं करना था। तो बच्चे को आप अपने समझाइए, अगर नहीं समझते हैं देन इनको बना दीजिए यूट्यूबर, वेल, ठीक है ना। तो और गलत गाइड कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहिए, और चैनल पे नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई भी क्यूरी है एंडीजान को रिगार्डिंग या किसी भी उज्बेकिस्तान या रसिया जहाँ वैलिड है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे टीम से, और ठीक है दोस्तों। और हम लोवेस्ट कंसल्टेंसी चार्ज का गारंटी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आप बात कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।